लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चोरी किया था गोल्ड की इंडियन कार, तो यार मैं लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम चोरी करने वाले हैं ऐसी टॉप 6 इंडियन कार जो कि प्योर डायमंड की है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैं आज चोरी करने वाला डायमंड्स की कार। लॉस सैंटोस में जो भी इम्पोर्ट कराई है रशिया माफिया ने, सबके सब रशियन माफिया ने इम्पोर्ट करवाई और यहाँ पर उसको आके बहुत ही महंगे दामों में बेचा है। और तो मैं यहाँ पर पहली लोकेशन पे आ चुका हूँ। ये भी जो भी एरिया है ना, सबके सब अंडर वाटर माफिया के एरिया, मतलब सबके सब स्ट्रीट पंक वाले बंदे और लॉस गैंग वाले बंदे जो कि भाई एक्टिव रहते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। पहली लोकेशन पे यहाँ पर खड़ी है डायमंड की स्कॉर्पियो। तुम लोग सामने देख सकते हो S11 स्कॉर्पियो जो कि प्योर डायमंड की है। तो भाई 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 बहुत ही महंगी पड़ने वाली। बट ये क्या, मैं तो नीचे गिर गया, फटाफट ऊपर चढ़ता क्योंकि भाई बंदों को निपटाना है। बंदों को निपटाने के बाद मेरे को ये स्कॉर्पियो को लेके यहाँ से निकलना है क्योंकि मेरे को पता चला आज का टाइम मेरे पास बचा है। जितने भी है ना यहाँ पर डायमंड की कार लॉस सैंटोस इन द सारे मेरे को चोरी करने पड़ेंगे, वरना जो रशियन माफिया आज इनको यहाँ से इंडिया इंपोर्ट करवाने वाला है तो भाई मेरे पास आज का ही दिन बचा और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत कम टाइम में जितने भी डायमंड की इंडियन कार है ना मेरे को सारे चोरी करने पड़ेगा और यहाँ पर जितने भी बंदे रहेंगे उनको सबको निपटाना पड़ेगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं यहाँ से गाड़ी को लेकर निकल सकता हूँ। राइट नाउ आई थिंक सारे निपट चुके, ये लास्ट बचा था। इसको भी मारने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो डायमंड की स्कॉर्पियो, भाई साहब कितनी डेंजर दिखाई दे रही है। और ये गाड़ियों की खासियत तुमको हमेशा की तरह पता है, ये गाड़ी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है, इसको डैमेज नहीं होता है। ये गाड़ियों के अंदर ऐसा पावर होता है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारी पहली इंडियन डायमंड की कार जो की रशियन माफिया ने इम्पोर्ट कराई थी लॉस सैंटोस में माफिया किंग के लिए। और यहाँ पर मैं इसको चोरी करके लेके जा रहा हूँ मेरे घर की तरफ क्योंकि भाई अपने को और ऐसी 5 इंडियन कार चोरी करने की जो डायमंड की है। पहली तो स्कॉर्पियो, दूसरी कौन सी वाली मुझे नहीं पता क्योंकि भाई शिनचैन हमारा सब अपडेट कर रहा है घर पे बैठ के, अक्खा इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहा है, सिक्योरिटी कैमरा हैक कर रहा है, लोकेशन मेरे को वो बता रहा है। तो जाके मैं वो एरिया में पहुंच के चोरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। राइट नाउ इसको घर पे लेके चलते, उसके बाद अपने को जाना है दूसरी लोकेशन पे। और दूसरी लोकेशन पे कौन सी कार है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और ये है लॉस्ट गैंग के मेंबर का एरिया, ये भी अंडर वाटर माफिया ही यहाँ पर किडनैपिंग वगैरह करवाता है, इसको ऑपरेट करवाता है। तुम लोग देख सकते हो सामने कोई कार खड़ी, शायद से वो महिंद्रा थार थी, ध्यान से दिखाई नहीं दिया मेरे को। अब तो बारी है उतर के डायरेक्ट अटैक करने को। यहाँ पर तुम देख सकते हो लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये जो है ना एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, ये एरिया रिस्ट्रिक्ट है। मतलब भाई यहाँ पर किसी को आने को बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए, बहुत ज्यादा दम चाहिए। तुम्हारा भाई यहाँ पर आ चुका है क्योंकि तुम्हारे भाई को चाहिए यहाँ पर जो खड़ी है डायमंड की कार, वो वाली कार मेरे को चाहिए, मेरे कलेक्शन में ऐड कर रही हो क्योंकि भाई मैंने गोल्ड की चोरी कर ली है, डायमंड की मैं चोरी कर लूंगा तो भाई तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल वाला अमीर बन सकता है। और तुम लोग मुझे लास्ट में बताना कि तुम लोगों को कौन सी कार सबसे बेस्ट लगी और तुम लोग कितने में खरीदना चाहते हो। ये पेड़ के पीछे एक बंदा छुपा, इसको मारता, उसके बाद आई थिंक सो निपट जाएंगे सारे के सारे। और ये मैंने देखा भाई साहब यहाँ पर खड़ी है डायमंड की थार, मैंने देख लिया गाइस डायमंड की थार। मतलब पहली हमने चोरी करी थी स्कॉर्पियो, कोई कौन मार रहा है मेरे को, ये पीछे से बंदा मार रहा। तो मैं कह रहा था पहली हमने चोरी करी स्कॉर्पियो, फिर हमने चोरी करी 4x4 ये महिंद्रा थार। भाई फटाफट बंदे निपटा दिया, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ये गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलना है मेरे घर की तरफ क्योंकि भाई घर के सामने मैंने ऐसा हैकिंग किया है ना कि मेरे घर के आजू बाजू कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि शिनचैन इज नेक्स्ट लेवल हैकर। उसने ऐसा बहुत बड़ा खतरनाक एंटीवायरस बनाया जो मुझे घर को देख ही पाते हैं पुलिस वाले। और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ उसको लेके हमारी दूसरी कार जो कि इंडियन महिंद्रा थार 4x4 भी डायमंड की है। और ये भाई अंडर वाटर माफिया मेरे को नहीं छोड़ने वाला, अगर उसको पता चल गया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो मेरे पीछे जरूर आएगा। बट राइट ना अपने को क्या, अपने को तो ये गाड़ी को अपने घर पे लेके जाना है क्योंकि इसके बाद अपने को जाना है एक और लोकेशन पे जो कि इंडियन कार है। कौन सी इंडियन कार है अपने को आइडिया नहीं है, वहां जाने का मुझे पता चलेगा। तो राइट ना तुम देख सकते हो ये है बहुत ही बड़ा कैफेटेरिया, नीचे खड़ी है डायमंड की कार, आई थिंक ये है i10, मेरे को तो i10 लग रही है अभी नीचे उतरने के बाद। कन्फर्म करते हैं, जी हाँ ये Hyundai की i10 है और यहाँ पर स्ट्रीट पंक के बंदे है। और ये तुम देखते हो i10 डायमंड की कितनी मस्त लग रही है गाइस। और यहाँ पर पुलिस के बाइक क्यों खड़े है भाई, और पुलिस यहाँ पर नहीं है ये अच्छी बात है, और पुलिस की बाइक्स वगैरह यहाँ पर खड़े तुम लोग देख सकते हो। और ये स्ट्रीट गैंग के बंदे जो स्ट्रीट पंक के बंदे वो नेक्स्ट लेवल वाले, मतलब बाइक के अंदर अलग ही जज्बा है कि बाइक मेरे को निपटाना। बट मेरे अंदर से ये शॉक वाइब्रेट क्यों हो रहा है गाइस, रुको रुको मेरे को लग रहा है यहाँ पर इनविजिबल यहाँ पर करंट है। तो यहाँ पर पढ़ देखो मैक्स क्लियरेंस क्वेश्चन, ओ भाई साहब ये एरिया तुम देख सकते हो यहाँ पर इनविजिबल करंट लगता है। ओ बट उनको पता नहीं कि मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे बंदे निपटा दिए, कुछ ही बंदे बच्चे इनको मारने के बाद। जो ये Hyundai i10 है तुम्हारे भाई की कब्जे में आने वाली, और ये हमारी तीसरी कार होने वाली इंडियन जो तुम्हारे भाई ने बहुत ही ईजी नहीं कह सकते बट चोरी कर ली है। इसको भी लेके चलते हैं मेरे घर की तरफ क्योंकि ऑलरेडी 2 गाड़ी चोरी करी, तीसरी गाड़ी और 3 गाड़ी आने वाली कौन सी होने वाली है वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक ड्रॉप कर दो, कमेंट तो तुम एंड में करना कि तुमको सबसे
बेस्ट कार कौन सी लगी है। तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट लेके चलते मेरे घर की तरफ, उसके बाद जाना अपने एक और लोकेशन की तरफ। आई डोंट नो, ये लोकेशन बहुत ही खतरनाक है। ये वाला ना पर्सनल माफिया का कॉटेज है, यहाँ पर वो कभी कभी आता है पार्टी वगैरह करने को। तो यहाँ पर उसने कौन सी कार खड़ी करी मुझे दिखाई तो नहीं दी, पास जाके पता चलेगा कोई कार कौन सी है। बट यहाँ पर तो भाई कौन से बंदे गैंग के खड़े, आई डोंट नो, कार मेरे को दिखाई नहीं दे रही। कार एक किलोमीटर को मुझे कार दिखाई दी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कौन सी कार है। ये भी SUV मेरे को लग रही है, कोई बहुत ही महंगी और बड़ी कार है। अब तो भाई पास जाने का पता चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कि वो कार है कौन सी एक्चुअल में। बट ये बंदों को निपटाना पड़ेगा, इनके पास बहुत अच्छी पिस्तौल है, मैं भी अपनी पिस्तौल है जिसके अंदर अनलिमिटेड गन्स वगैरह निकलती है, पिस्तौल वगैरह निकलती है। चलो चलो पास में चलते हैं और देखते हैं ये कौन सी कार है। अबे गाइस, ये है फॉर्च्यूनर, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जो कि भाई तुम समझ सकते हो इंडिया में बहुत ज्यादा चलती है और बहुत ज्यादा डिमांडेड कार है इंडिया में। तो यहाँ पर देखो गाइस क्या ही डायमंड पे ये चमक रही है। यहाँ पर भाई साहब कोई तो निकल गया हेलीकॉप्टर से, बच के भाग के यहाँ से मेरे पास से। चलो कोई बात नहीं, जो बंदे उनको निपटाते, कहाँ भाग रहे तू, मेरे कब्जे में आ जा गाइस। तू यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे बंदे निपटा दी। चलो फटाफट चलते मेरे कार के अंदर बैठेंगे। भाई कहाँ से घर के अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। रुको भाई, इसको पूरा फिनिश करते हैं। राइट नाउ आई थिंक फिनिश हो चुका है, बैठेंगे अपने कार के अंदर। ये देखो गाइस फॉर्च्यूनर पूरी डायमंड की कितनी डेंजर दिखाई दे रही है। और अभी तक तुम कहो तो मेरे को स्कॉर्पियो वाली ज्यादा पसंद आई थी। मतलब भाई तुम अभी देखते हो स्कॉर्पियो चोरी करी, थार चोरी करी हमने, i10 और ये फॉर्च्यूनर चोरी करी, जो कि सबकी सब डायमंड की है। बट मेरे को तो भाई पर्सनली पूछोगे तो स्कॉर्पियो ही ज्यादा पसंद थी, डायमंड में बहुत ही मस्त दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से मैं लेके निकलता मेरे घर की तरफ, यहाँ से घर मेरा बहुत ज्यादा दूर है। बट आई थिंक कि इसके अंदर डीजल इतना होगा कि मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अपने को लोकेशन पे जाना है, जहां पर अपने को क्रीटा शायद से मिलने वाली, शिनचैन मुझे पता चल रहा है कि क्रीटा बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, क्रीटा भी बहुत ही खतरनाक और एक डिमांडेड गाड़ी इंडिया में बहुत ज्यादा चलती है। तो घर पे खड़ी करने मैं आ चुका हूँ ये एरिया में। ये है शैंडी शोर, जहां पर उसने रखा था कि किसी को पता ना चले बट तुम्हारा भाई हैकिंग के मामले में शिनचैन इज ऑन नेक्स्ट लेवल। तो भाई शिनचैन को पता चल गया और मैं आ चुका हूँ लोकेशन पर। शिनचैन ने मेरे को वार्न किया, इनके पास कुछ नेक्स्ट लेवल की गन्स वगैरह है। अब वो कौन सी गन है भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पास जाने के बाद मेरे को पता चलने वाला है कि ये गन कौन सी होने वाली है। और यहाँ पर देखो बाइक को निपटाते, पीछे से मारते इसको। यहाँ पर एक को तो भाई बिना मारे ही निपटा दिया, मतलब भाई किसी को पता नहीं चला भाई ये देखो पीछे पे ये क्या है बे, ये एक मिनट रखो भाई ये क्या है। अबे ये कौन सी पिस्तौल है जिसके अंदर से करंट वेव निकल रहा है। ओ भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल एडवांस वेपन है इनके पास। भाई भाई ये गन तो मेरे पास होना चाहिए। रुको पता कर लेते ये गन किसके पास मिलती, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपने पास रखूंगा, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये गन जिसके अंदर से करंट निकलता है। लिटरली गाइस करंट निकल रहा है इसके अंदर से, तुम देख सकते हो। भाई साहब यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे बंदे निपटा दिए और कार पीछे से चली गई, कार को आगे लाना पड़ेगा। कोई तो भाग रहा था कार को लेके, आई थिंक सो मैंने उसको भी मार दिया कार को लेके, कोई भाग रहा था। बट कार के टायर में आग लग चुकी है। भाई साहब फटाफट गाड़ी के अंदर बैठूंगा, जैसी गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर टैलेंट है, खुद को मॉडिफाई कर सकती है। बट यहाँ पर कोई मॉडिफाई नहीं हो रहा। रुको ये एरिया लगता है खराब है, रुको यार मेरे को लग रहा टायर्स पंचर हो चुके और ये रिपेयर नहीं हो रहे। चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त बैनी है जो इसको मॉडिफाई करवा देगा, मतलब टायर को ठीक कर देगा। बट एक मिनट रुको भाई, बाहर निकलती टायर ऑटोमेटिक रिपेयर हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, तुम्हारे भाई ने ये पांचवी भी गाड़ी चोरी कर ली, जो कि इंडियन Hyundai क्रेटा है, जो कि तुमको पता है इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है इसके, और ऊपर से ये डायमंड की है, तो तुम लोग सोच सकते हो कितनी महंगी बिकने वाली है। तो अभी तुम लोग ने देख ली होगी एक लास्ट गाड़ी बची है, जो कि मुझे पता चल रहा है Hyundai की तरफ से वैन्यू है और उसको कहीं पहाड़ पे छुपा के रखा है, पहाड़ के ऊपर उसको छुपा के रखा है। तो उसको घर पे खड़ी करते हैं और यहाँ पर तुम देख सकते हो पैराशूट से मैं जंप मार के नीचे आ रहा हूँ, खड़ी हो वेन्यू। भाई यहाँ पर उसने छुपा के रखा था किसी को पता ना चले और टाइट सिक्योरिटी लगा के रखी किसी को यहाँ पर आके चोरी ना करे। बट उसको पता नहीं था कि उसकी कार के आज आखिरी दिन है और उसकी कार आज मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो उसी के साथ मैं अपनी यूजी लेके आ चुका हूँ भाई, और यहाँ पर इनको निपटाने के बारे आ चुके हो। यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी उसने रखी है और ये हमारी आज की लास्ट कार है, जो कि भाई टायर देखो इसके और डायमंड की, तो महंगी तू बिकेगी और तुम्हारा भाई राइट नो बहुत अमीर बनने वाला है। अगर तुम खरीदना चाहते हो तुमने भी 6 के 6 गाड़ी देखी होगी, तो कमेंट मुझे बताना तुम लोगों को सबसे बेस्ट कार कौन सी लगी और सबसे बेस्ट महंगी कार कौन सी लगी, तो कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट बातों में सारे के सारे निपटा दिए, तुम देख सकते हो कार में आ चुकी है निशान। बट कोई बड़ी बात नहीं, कार पे जो निशान है ना वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बंदे निपटा दिए, फटाफट बैठेंगे, देखो कांच वगैरह ठीक हो गए, ऑटोमेटिक रिपेयर हो गई चाहिए और इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। तो राइट नाउ तुम्हारे भाई ने एक ही दिन में सारी की सारी जो भी रशियन माफिया ने इम्पोर्ट करवाई थी रशिया से, यहाँ पर डायमंड इंडियन कार जो कि इंडिया में इम्पोर्ट होने वाली थी, वो मैंने यहाँ पर चोरी कर ली और मेरे घर
घर के बाहर खड़े करती है। तो ये लास्ट कार हमारे पास है, इसको भी सेफली लेके यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ तुम मुझे बताओगे कि तुम लोगों को सबसे बेस्ट कार कौन सी लगी है, और तुम चाहते हो कि मैं आने वाले वीडियो में और ऐसी इंटरेस्टिंग कार चोरी करूं, तो कमेंट में मुझे कोई भी कार का नाम बता जो तुम चाहते हो मैं डायमंड में या फिर गोल्ड में चोरी करूं या फिर प्लेटिनम में चोरी करूं, तो कमेंट में जरूर बता। तो इसको अपने घर की तरफ लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं वीडियो पे नए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस तुमको आती रहेगी डेली। तो मेक श्योर हिट दैट सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत हम नजदीक है 10,000 सब्सक्राइबर के। आई होप इस वीडियो में करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो गाइस।